हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओके डन। मंगल मूर्ति मोरिया। बाकी जी बहुत अच्छी हूँ। आज गणपति जी आपके यहाँ आए हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? यही कहूंगी कि गणपति बप्पा विघ्न विनाशक है और संकट मोचन है। हमारे ऊपर जितने भी कष्ट या दुख आ सकते हैं उनका निवारण करने वाले बस यही एक है। तो जब भी मैंने कोई मन्नत मांगी है वो हमेशा मेरी पूरी हुई है और मैं हमेशा, जब भी मेरी मन्नत पूरी होती है, मैं सिद्धिविनायक चल के जाती हूँ। तो सबसे खुशी वाली बात है कि गणेश जी का आगमन अगर घर पे हो सकता है और आप गणेशा को लेके आ सकते हैं, तो हम लोग इस बार लाए हैं क्यूट से छोटे से लॉर्ड गणेशा को। और ये जो गणेशा है वो इको फ्रेंडली है। बहुत ज़्यादा हम लोग अभी केयर लेते हैं कि हम लोग अपने फेस्टिवल्स और कोई भी हमारे जो जश्न होते हैं उनको इस तरीके से मनाएं जिसमें कभी भी किसी को तकलीफ़ ना हो, नेचर को भी तकलीफ़ ना हो। तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन किया है कि हमको बहुत सिंपल तरीके से गणेशा का फेस्टिवल मनाना है, इसलिए हम लोगों ने इको फ्रेंडली गणपति मंगाया है। और कितने साल से कर रही हैं और कितने दिन का है ये गणपति का? हमारा सेकेंड ईयर है, दूसरा साल है गणेशा हमारे घर पे पधार रहे हैं और मैं यही कोशिश करूँगी कि ये हमें हमेशा पधारते रहे, हमको हर साल आशीर्वाद अपना देते रहे और हमारे जीवन में खुशियाँ लाते रहे, सब सबको सुखी रखें। कितने साल के गणपति आए हैं, कितने दिन के लिए? हमारे यहाँ पे 1.5 दिन के गणपति आते हैं। कैसे माइंड में आया लास्ट ईयर करना चाहिए गणपति? बहुत साल से ये फील हो रहा था कि हमें करना है, लेकिन वो एक होता ना, एक इनिशिएटिव नहीं हो पाता। तो सबसे फैमिली मेम्बर से डिस्कशन ऐसा हो रहा था कि बिकॉज एक्टिंग करियर में कभी कभी आप ट्रैवलिंग करते हो और आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं कि आप टाइम नहीं दे पाते हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर अगर आपके घर में गणेश आए और आप बाहर हैं तो इट फील्स हर्ट। तो घर के सभी मेम्बर्स ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग करेंगे इसको, और आप रहेंगे या नहीं रहेंगे तो भी हम लोग भी उतनी ही डेडिकेशन से करेंगे। तो वो ध्यान में जब आता है कि सब कोई उतनी ही आतुरता से गणेशा का आगमन करना चाहते हैं, तब वो आना और फिर उनकी इच्छा होती है। तो गणेश ने भी मन बना लिया कि आपके घर में आना है। सर, गणपति तो बॉलीवुड में और मराठी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बार देखा जाए तो 50% लोगों ने गणपति रखा है, क्या कहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री खास करके? मुझे यही लगता है कि देखिए, हम कोई लैंग्वेज, कास्ट या क्रीड या इसका बैरियर नहीं रखते हैं। सबके लिए गणेशा वही है, विघ्न विनाशक ही हैं और संकट मोचन ही है। तो मुझे लगता है कि ये बाउंड्रीज से परे हटके हैं और हर एक को लॉर्ड गणेशा का आगमन करना चाहिए और इस फेस्टिवल को बहुत बड़े प्यार से अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में मनाना चाहिए। आपके दो चार दोस्तों का नाम बताएं जो गणपति के लिए आपको आमंत्रित किया है। मेरी फ्रेंड है कंगना शर्मा, जिन्होंने आमंत्रित किया हुआ है, अंजना जी ने आमंत्रित किया हुआ है, मधु जी ने आमंत्रित किया हुआ है, सिद्धिका शर्मा करके मेरी फ्रेंड है, उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है, रवि किशन जी ने आमंत्रित किया हुआ है और अनारा जी ने आमंत्रित किया। मुझे लगता है हर किसी ने, जिन्होंने रखा है, जिनके नाम भूल गई हूँ, प्लीज़ सॉरी, माफ करना भाई, बट सबके आमंत्रण आ चुके हैं। लेकिन जब तक हमारे घर पे गणेशा है तब तक मैं जा नहीं पाऊँगी, जैसे हमारे गणेशा मतलब ये हो जाएंगे तो आई विल ट्राई एंड गो टू एवरीवनस हाउस। बात करें अगर फिल्मों की, तो कुछ फिल्म प्रोजेक्टर चल रहे हैं जिसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? अभी कुछ एक्साइटिंग हिंदी प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं, सो बहुत जल्दी हो सकता है कि अमित जी के साथ में भी पर्दे पर मैं नजर आऊंगी। अमिताभ बच्चन के साथ पहले भी नजर आ चुकी हैं जी। तो ये रिपीटेशन और एक फिल्म हो जाए, तो ये फिल्म है गौरांग देसाई जी की और इनकी
बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में आ चुकी हैं, बेटा और राजा इस टाइप की फिल्में इन्होंने दी हुई है बड़े पर्दे पे, और पहली बार नीरज पाठक जी की फिल्म मैं करने जा रही हूँ, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे, जिसमें स्क्रीन पर शेयर करते हुए अभिषेक बच्चन जी भी नज़र आएंगे, ऐश्वर्या राय जी भी नज़र आएंगी और अमित जी भी हैं, एंड मैं भी कुछ सरप्राइज पैकेज लेके आ रही हूँ, तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पॉलिटिक्स में कितना रुचि रखती है पाकी हेगड़े? पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती है पाकी हेगड़े, हाँ जी, लेकिन समाज सेवा में ज़रूर रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं ज़रूर औरतों के लिए और औरतों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कभी कभी नज़रअंदाज किया जाता है या हो जाता है फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो मैं चाहूँगी कि मैं उसमें ज़रूर कुछ अपनी तरफ से ऐसा योगदान दूँ जिससे जिस इक्वालिटी की हम सच में बात करते हैं यहाँ मेट्रो सिटीज़ में, वो उतनी ही अंदर भी उसी इक्वालिटी पे लड़कियों को शिक्षण भी मिले, उनकी प्रगति में उनको योगदान उस तरीके से हो तो रहा है, लेकिन कितना उसको एक्चुअल में एक्टिवेट किया जा रहा है इसको लेके मुझे थोड़ा सा ऑलवेज एक कमी सी खलती है कि शायद वो जितना हम बोलते हैं उतना अभी भी इंटीरियर्स में नहीं होता है, जितना हम बोलते हैं कई सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रभावों के वजह से दबाई जाती हैं या दब जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि जेन्युइनली इन इश्यूज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी और ध्यान देना चाहूँगी, जिससे लड़कियों को उनको जो एक लेवल मिलना चाहिए, एक जिस एक्साइटमेंट में हम यहाँ पे काम करते हैं और हमको वो नवाजा जाता है, उसी तरीके से उनको भी वो स्थान मिले, ये मेरी बहुत दिली इच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, वो जो कर रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव। जी, 370 सही था या गलत था? नहीं, बिल्कुल सही था। मुझे लगता है कि हमने हमेशा ये चाहत रखी है कि हमारे हिंदुस्तान को तोड़ा ना जाए, फॉर सम रीजंस वो चीज़ें टूटी बट गई, लेकिन हम चाहेंगे कि हम सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, हम तो विश्व की बात करेंगे कि ये विश्व हमारा है, वाई टॉक अबाउट बाउंड्रीज, वाई कांट बी वन, सो वी स्टैंड यूनाइटेड, डिवाइडेड वी फॉल, आई बिलीव इन दैट प्रिंसिपल। बॉलीवुड में काफ़ी लोग कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप भी इन्वेस्ट जमीन खरीदना चाहेंगे? अभी ऐसी कोई फिलहाल प्लानिंग नहीं है इन्वेस्टमेंट की, हम सोचते हैं कि ख्यालों में इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर का तो पहाड़ है, पूरा पहाड़ खाली है अब। मुझे लगता है पहाड़ की ऊंचाइयों पे पाखी ऐसे ही पहुंची हुई है, और मुझे लगता है जी बिल्कुल, वाई नॉट, अगर ऐसा कुछ बनता है, और बॉलीवुड हमेशा हर जगह पर सक्रिय होना चाहता है, किसी भी तरीके से हमारा योगदान जहां पे भी ज़रूरी होगा, आई वुड बी लकी टू डू इट, आई विल बी हैप्पी। हम लोग भी चाहते हैं कि भोजपुरी कोई वहां फिल्म सिटी बने, खास करके पाखी हेगड़े की तरफ से। बिल्कुल बने। बोले हैं कुछ दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल, अगर ऐसी गुजारिश हम लोगों को करनी है, आई वुड बी ऑलवेज स्टैंडिंग बाई ऑल। मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक स्थान दिया है, मैं कर्नाटक से होने के बावजूद भी मेरी जो पहचान बनी है, जितनी पहचान बनी है, वो भोजपुरी वासी जो लोग हैं उन्होंने मुझे प्रेम दिया है, इसलिए मैं आज पाखी हेगड़े जानी जाती हूँ, तो मैं ये कभी नहीं भूलूँगी, और उस भाषा से भी मुझे बड़ा प्रेम है, मैं बहुत बहुत खुशी महसूस करती हूँ जब भी मैं भोजपुरी में बात करती हूँ, तो आई फील वेरी प्राउड कि कर्नाटका में मैं पली बड़ी हूँ, महाराष्ट्र में, कर्नाटका से जन्म स्थान होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, और कर्म क्षेत्र से मैं भोजपुरी हूँ, सो आई फील कम्प्लीट इंडियन, सो आई वुड ओनली से दैट हम लोग ये बाउंड्रीज में ना बटें। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सभी को गणपति की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत खुशियां मनाएं, अपने जीवन को बहुत स्वस्थ, आनंदमय और सुखी रखें, और स्टे पॉजिटिव एंड टॉक पॉजिटिव। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।